राइटर और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को लेकर इन दोनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां छाई हुई हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कई सारे राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। साथ ही फिल्म से जुड़े कई सारे कलाकारों की अभिनय के भी लोग जमकर तारीफें कर रहे हैं। दी कश्मीर फाइल्स काफी मायनों में खास है, क्योंकि साल 1990 में जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने जुल्म किया वो किसी से छुपा नहीं है। उन कश्मीरी पंडितों का दर्द आज भी तरोताजा है, जिसे फिल्म के माध्यम से सिनेमाघरों में दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद अब सोशल मीडिया पर दी कश्मीर फाइल्स के साथ ही हैशटैग गोधरा काफी ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने विवेक अग्निहोत्री से कश्मीर फाइल्स के बाद विभाजन पर साल 1947 फाइल्स, ट्रेन में आग पर गोधरा फाइल्स, पुलिस फायरिंग पर दिकार सेवक फाइल्स और गैस लीक कांड पर दी भोपाल फाइल्स फिल्म बनाने का आग्रह किया है। हालांकि इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोग दी कश्मीर फाइल्स की आलोचना भी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इन लोगों की आलोचनाओं का जवाब भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यदि भारत हैदर और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों को बर्दाश्त करने के साथ तारीफ कर सकता है तो हमें दी कश्मीर फाइल्स के साथ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि फिल्म को लेकर जबरदस्त बज हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही फिल्म की कमाई भी किसी से छुपी नहीं है। दी कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करती हुई नजर आ रही है। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि फिल्म ने शुक्रवार को करीब 4 करोड़ और शनिवार को करीब 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म के दूसरे दिन की कमाई में करीब 139% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इसी वीक कई सारी बड़ी फिल्में भी रिलीज हुई हैं। उन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो राधेश्याम, दी बैटमैन और गंगूबाई काठियावाड़ी भी ये कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों को अब दी कश्मीर फाइल्स पिछाड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 11 मार्च को रिलीज हुई दी कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर की एक्टिंग की लोग जमकर तारीफें कर रहे हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, प्रकाश वेलावदी, पुनीत इस्सर जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में एक्टिंग के लिए अनुपम खेर की खूब तारीफें हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी दी कश्मीर फाइल्स को देखा है तो अपना अनुभव हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर लिख भेजें।